हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी सीरीज़ के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इसको हम यहां पर कहते हैं पीएचपी के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो गाइस, पीएचपी के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, जिसका नाम है यहाँ पर ईको, देन प्रिंट, देन वेर डंप, और काफ़ी सारे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस देखे कि किस तरीके से हमारे ये फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो गाइस, अब जो पीएचपी के अंदर है वो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो गाइस, जब पीएचपी के अंदर हज़ार से ज़्यादा हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने की। तो गाइस, जो पीएचपी के जो हमारे फंक्शन है ना, तो गाइस अगर मैं उनके अंदर ईको प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पर वो जो भी इसका स्टेटमेंट होती है वो उसको प्रिंट कर देगा। बट गाइस, मुझे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ प्रिंट कराना हो या अपने अकॉर्डिंग खुद का एक फंक्शन बनाना हो, तो वो हम यहाँ पर पीएचपी में किस तरीके से बना सकते हैं। सो गाइज, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम। तो गाइज, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर हमारे चैनल का नाम कुछ इस तरीके से दिखाना है, तो मैं यहाँ पर दो बार इको लिखूंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ YouTube। अब साथ ही मैं कुछ एक नंबर भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लिया। अब गाइज, मुझे यहाँ पर इस चीज़ को बार बार दिखाना है, तो वो मैं यहाँ पर किस तरीके से कर सकता हूँ। तो अब गाइज, इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मुझे इसको पांच बार यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको पांच बार इस लाइन के कोड को यूज़ करूँगा। तो गाइज, देखा आपने, मुझे यहाँ पर इतने सारी लाइन को कॉपी पेस्ट करना पड़ा, और मुझे यहाँ पर क्या कम से कम मैंने यहाँ पर 12 लाइन यहाँ पर लिख दी है। तो गाइज, 12 लाइन की जगह हम यहाँ पर एक खुद का ऐसा फंक्शन क्यों नहीं बना सकते कि जब मैं उसको एक बार बनाऊँ और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करूँ। तो गाइज, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइम्स हम उन्हें फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड। तो गाइज, जब हमारा पेज लोड होता है ना, तो गाइज वो फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिक लोड यहाँ पर मतलब ऑटोमेटिक रन नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू अ फंक्शन। हमें उस फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, तब जाके वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो गाइज, ये सारी बातें तो हो गई हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हमारा खुद का फंक्शन होगा। तो गाइज, जो भी ये जो थ्योरी की पार्ट होती है वो तो गाइज आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, बट गाइज आपको जो मेन चीज़ समझनी है वो गाइज क्या है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो, जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दें तो वो आप सही तरीके से दे पाए। तो गाइज, अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका सिंटैक्स। तो गाइज, सिंटैक्स के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना, पीएचपी का प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो गाइज इसका नाम है यहाँ पर फंक्शन। तो गाइज, कीवर्ड क्या होता है, जो कि एक स्पेशल मीनिंग होता है पीएचपी के अंदर, जो ये क्या करते हैं, एक पहले से एक रेडीमेड कीवर्ड होता है कि भाई अगर आप फंक्शन लिखोगे ना, तभी जाके आपका एक फंक्शन बन पाएगा। तो गाइज, ये इसका सिंपल मतलब है। तो गाइज, आपको यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखना है, देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर फंक्शन का नेम, देन हमें यहाँ पर यूज करना है ब्रैकेट्स। तो गाइज, ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ आगे चीजें आएंगी जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर यूज करना है ब्रेसेस, जो कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा। देन उसके अंदर जो भी हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना कोड, वो हमारा यहाँ पर यूज होता है। तो गाइज, चलते हैं इसको एक प्रोग्राम बनाते हैं हम। तो गाइज, मैंने आपको बताया जैसे आपको लिखना है सिंपली फंक्शन जो कीवर्ड है। अब गाइज, जो आप फंक्शन का नाम दे सकते हो ना, वो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया ABC नाम का एक फंक्शन, मैंने यहाँ पर बना लिया। अब गाइज, जरूरी नहीं कि आप ABC को इसी तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यूट्यूब लिखना चाहूँ कि भाई यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब देन सी बड़ा करके चैनल। तो गाइज, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कैमल केस, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कैमल केस। एक होता है अपर केस, लोअर केस, और गाइज ये होता है हमारे पास कैमल केस। अब गाइज, इसको आप सारे को अपर केस में भी लिख सकते थे, इसको लोअर केस में भी लिख सकते थे, जैसे आप यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। बट गाइज, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं ना, तो कैमल केस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं, ताकि ये थोड़ा एक फॉर्मेटेड लगे, एक अच्छा सा हमें यहाँ पर एक इफेक्ट दे कि भाई हमने यहाँ पर यूट्यूब चैनल नाम से एक फंक्शन बनाया। तो गाइज, अब एक जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको यूट्यूब चैनल नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो आपको अगर आपको दो वर्ड को एक साथ लिखना है, जैसे यूट्यूब और चैनल, तो आप इनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो गाइज, ये आपका फंक्शन क्रिएट नहीं होगा, ये एक एरर जनरेट कर देगा। गाइज, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक लंबा फंक्शन का नेम दे रहे हो, जैसे यूट्यूब चैनल, तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में स्पेस ना हो। आप इसकी जगह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। गाइज, अंडरस्कोर बिल्कुल वैलिड है, आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हो, और अंडरस्कोर के साथ ही बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा।
तो गाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मैसेज नाम का फंक्शन बना लेते हैं कि भाई मैं मैसेज पास करना चाहता हूँ हमारे जो भी यूज़र होंगे। तो गाइज एक फंक्शन नाम का मैंने मैसेज बनाया। अब इस मैसेज के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक कुछ भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर क्या इको करा दो, दिस इज आवर यूज़र डिफाइंड PHP फंक्शन, कि भाई ये हमारा खुद का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो गाइज ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं गाइज, चलते ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा आपने कुछ भी आउटपुट नहीं है, बट गाइज आपने देखा कि कुछ भी यहाँ पर एरर नहीं आया। अगर मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको दो वर्ड के बीच में अगर आप स्पेस दे देंगे ना गाइज, तो गाइज देखना आपका सिंटेक्स एरर बन जाएगा कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड एज क्या है। मैंने तो यहाँ पर फंक्शन का नाम सिर्फ पढ़ा मैस, बट आपने ये एज क्यों लगा दिया। अगर आप इनके बीच में स्पेस हटा देंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर एरर नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, अगर आप यहाँ पर अंडरस्कोर देते तो गाइज तो भी आपके पास कुछ भी एरर नहीं आएगा। तो गाइज आप अंडरस्कोर यहाँ पर लगा सकते हैं, बट आपको स्पेस नहीं देना। तो गाइज ये फंक्शन बन चुका है। तो गाइज इसको हम कहते हैं यहाँ पर PHP की लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब हमने फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसको बना दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया। अब बारी आती है इसको कॉल कराने की। जैसा आपको बताया था कि पेज लोड होने पर ही अपना आप नहीं चलता ऑटोमेटिकली, हमें इसको चलाना पड़ता है। तो गाइज अगर आपको अपने फंक्शन को चलाना है तो सिंपली उस फंक्शन का नाम लिख देना आपको, और आपको उसके साथ उन ब्रैकेट्स का यूज करके सेमी कॉलन लगा देना है। तो गाइज अब ये हो गया हमारे पास, मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी फंक्शन की कॉलिंग। ऊपर थी फंक्शन की डिक्लेरेशन, ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग। अब चलते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा मेरा फंक्शन यहाँ पर चल चुका है कि दिस इज आवर यूजर डिफाइंड PHP फंक्शन। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ ना गाइज, जैसे हमारे चैनल का नेम डाल देते हैं यहाँ पर हैवी कोडिंग, और अगर एक और चीज में डाल दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक एग्जांपल दिया था हैवी कोडिंग यूट्यूब। अब गाइज क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल चुकी जो भी मेरे फंक्शन के अंदर थी। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ एक BR, और फिर से आप यहाँ पर लगा देंगे एक BR, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज देखा आपने वही सेम चीज़ आउटपुट यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपने एक बार फंक्शन बना दिया, अब इसको आप चाहे हजारों बार यूज़ करो गाइज, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब मुझे वो बार बार उन लाइन के कोड को, जैसे मैंने वो 12 लाइन के कोड को लिखा था, तो गाइज देखा आपने मैंने 5 बार फंक्शन को कॉल करा और ये 5 बार चल चुका। तो गाइज इससे क्या होगा, रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड होगी, भाई एक बार बनाया मैंने और मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि इसको यूज़ करेंगे कैसे। तो गाइज जब हम प्रोजेक्ट पर पहुँचेंगे ना, तो गाइज आप ये इस वीडियो पर दोबारा आएंगे कि भाई मुझे फंक्शन को दोबारा सीखना है, भाई ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी और आगे सारी चीज़ इसी में ही यूज़ हो रही है। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से हमारा फंक्शन यूज हो रहा है। अब एक लेते हैं एक दूसरा एक एग्जांपल। तो मान लीजिए ये तो था एक कुछ भी प्रिंट कराने का। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो एक सम नाम का एक फंक्शन बना लिया जिनका एक सम नंबर यहाँ पर ऐड करेगा। तो गाइज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर PHP के अंदर ए, जिसकी मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 10, और एक बी नाम से वेरिएबल बना देता हूँ भाई, इसकी वैल्यू देते हैं हम 20। तो गाइज इंटरव्यू में बिल्कुल पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भाई मुझे एक सम नाम का फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो गाइज ए और बी नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और ये क्या करेगा, इको करा देगा डॉलर ए प्लस ऑपरेटर, जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, अरिथमेटिक ऑपरेटर था, तो हमने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया, देन डॉलर बी, भाई ये इन दोनों का जोड़ करके मुझे यहाँ पर इको करा दे। अब गाइज मुझे उसी फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। तो चलते हैं गाइज ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा आपने, आपने खुद का एक सम नाम का फंक्शन बना लिया कि ये दो नंबर्स को यहाँ पर जोड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर कर देते 150, तो गाइज इसने क्या करा, इसको जोड़ के यहाँ पर दे दिया। तो गाइज देखा आपने, अब इस सम नाम के फंक्शन को आप यहाँ पर कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको सम चाहिए होगा। तो गाइज देखा आपने कितनी बार आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज देखा आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने का कितना एक यूज़फुल रहा हमारे लिए। अब वो आपसे कहता है एक इंटरव्यूअर कि भाई मुझे एक तीसरे वेरिएबल में इसको डाल के दे दो। तो गाइज सिंपली आपको पता है क्या करना है, डॉलर सी के अंदर इक्वल्स टू लगा के आपको यहाँ पर क्या करा देना, इको करा देना सी को। तो अब ये क्या हो गया, तीसरे वेरिएबल के अंदर ये प्रिंट होके आ चुका है। एक बार मैंने फंक्शन चलाया। अब नेक्स्ट चीज क्या हो गई, आप यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द सम ऑफ टू
नंबर इज, भाई मेरे दो नंबर का सम क्या है, ये है। चलते गाइज इन्वर्टेड को बंद करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आ चुका है एक अनडिफाइंड वेरिएबल सी। तो गाइज ये वेरिएबल सी को अनडिफाइंड इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको ऊपर नहीं बनाया, हमने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में यहाँ पर बंद कर दिया था। तो गाइज इसके काफ़ी सारे तरीके आप इसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाइज जब मैंने पीएचपी की सीरीज आपको बताई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चीज़ का एरर बताऊंगा और हर एक चीज़ का हमारे जो रन टाइम एरर होते हैं और क्या क्या हम प्रॉब्लम्स आगे झेलते हैं वो सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर बना लिया एक डॉलर सी नाम का वेरिएबल। गाइज ये बन चुका मेरा डॉलर सी नाम का वेरिएबल, अब जाके देखते हैं। तो गाइज अभी भी यहाँ पर बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल सी। तो गाइज ये सी मेरा आ गया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में, इस वजह से बता रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ कि भाई मेरा जीरो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाए। रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज अब देखो वो एरर ही चला गया। तो भाई ये क्या आ गया यहाँ पर, इसने इसकी वैल्यू को यहाँ पर अभी क्या कराया, मैंने यहाँ पर इसको अगर जीरो दे दिया ना गाइज, तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसको प्रिंट करा ही नहीं है। तो अब एक तो तरीका था इसको हटाने का, एरर हटाने का तरीका था, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पर इस इन्वर्टर को, इन्वर्टेड कॉमास जो भी हमारे कोड्स होते हैं, इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर सिंपली एक डॉट ऑपरेटर यूज़ कर लूँगा जो कि हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर था इनको जोड़ने का, कॉन्कैटिनेशन करने का। अब गाइस देखते हैं क्या आता है। तो गाइस देखा आपने, द सम ऑफ टू नंबर इज 170। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से आपने इसको हैंडल कर लिया कि भाई आपने इन्वर्टेड कॉमास इन सबको बंद करके एक डॉट ऑपरेटर के साथ लगा के इसको वेरिएबल को शो करा दिया। अब गाइस इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर रख लेता तो भी ये चलता। तो अब इसमें मुझे क्या कराना पड़ता, यहाँ पर सिर्फ डॉलर सी नाम के वेरिएबल को ही प्रिंट कराना पड़ता। इसको मैं लगा देता सेमी कॉलन। चलते गाइस। तो गाइस देखा आपने द सम ऑफ टू नंबर इज 170। अगर मैं इसको हटा के देखते हैं एक बार क्या होता। तो गाइस अब मैंने कर दिया यहाँ पर रिफ्रेश। तो गाइस अब इसने कोई एरर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमने अब यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन ही कर दिया है कि भाई यहाँ पर दो वैल्यू जुड़ के किस में आ रही है, तीसरे में, और हमने सिर्फ यहाँ पर तीसरे को प्रिंट कर दिया। बट गाइस एक लाइन के कोड के अंदर आप यहाँ डालेंगे तो हमेशा अनडिफाइंड वेरिएबल दे देगा। तो गाइस आपने सी नाम के वेरिएबल को आप यहाँ पर प्रिंट कर दिया और आपने अपना एक खुद का एक सम नाम का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट नाम का भी फंक्शन बना सकते हैं। तो क्या करेगा ये, सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो सम की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन। तो 150 में से ये 20 हटा देगा, तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 130। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से इसने यहाँ पर वर्क करा। और आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा कि फंक्शन को हम क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसकी रूल्स हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और क्या हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।